राजस्थान के झालावाड़ मनोहर थाना में भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस दौरान किसानों की मांगों को लेकर तहसीलदार नेहा वर्मा को ज्ञापन दिया गया। जिला राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने बताया कि ज्ञापन में गत दिनों क्षेत्र में हुई बेमौसम वर्षा आंधी से किसानों की चना, धनिया, सरसों, अफीम की फसलों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। समर्थन मूल्य पर सरसों, चना, गेहूं को खरीद के लिए शीघ्र ही रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाए। वहीं सरकार के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार गेहूं को 2,700 प्रति क्विंटल खरीद करें व सरसों की खरीद 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल की जाए। नवीन कृषि उपज मंडी को चालू किया जाए। कामखेड़ा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी बनकर तैयार है, लेकिन उसे चालू नहीं किया गया है, जिससे पेयजल समस्या से लोग परेशान हैं। इससे पहले स्थापना दिवस कार्यक्रम के शुभारंभ पर तहसील अध्यक्ष बालचंद लोधा ने किसान संघ की उत्पत्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। लोधा ने बताया कि भारतीय किसान संघ किसानों के लिए किसानों द्वारा चलाई जाने वाली एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1989 के दिन कोटा में हुई थी। तहसील मंत्री नेमी चंद लोधा ने बताया कि भारतीय किसान संघ का संचालन 3 मिश्रित कार्यक्रम से चलता है, जिसमें संगठनात्मक, रचनात्मक एवं आंदोलनात्मक कार्य मुख्य रूप से करते हुए किसान शक्ति का निर्माण करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करता है। सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय मनोहर खान, विषय किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि गत दिनों क्षेत्र में हुई बेमौसम वर्षा आदि से किसानों की चना, धनिया, सरसों, अफीम की फसलों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अतः सर्वे करवाकर उचित मुआवजे में बीमा दिया जाए। मनोहर थाना में सरसों, चना में गेहूँ का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन व ऑनलाइन शीघ्र शुरू किया जाए। सरकार की ओर से घोषणा पत्र में किए गए वादे अनुसार 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूँ की खरीद सुनिश्चित की जाए व सरसों की खरीद 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल की जाए। सत्र 2022-23 की फसल खराबी का बीमा व मुआवजा राशि अभी भी बहुत सारे किसान देखते रहिए। डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।